लाहौर में मीडिया से गलाइंदे पंजाब के कानून वाले वजीर राणा सनौल ला चयो त सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो को आसमानी सहीफो ना है, अदालत हर फर्द के आइनी ए कानूनी हकन की जामिन है। उन चो त अदालती फैसले ते मायूसी ना थी, फैसलन ते अमल करण आइनी ए कानूनी तौर ते सबनी मथा जरूरी है। संदस चवणो तो समूरन रंडकुन बावजूद नून लीग इन 120 ता नंढी चूंड खटी हाँ पिंडी जो शैतान मकार मौलवी ए इमरान खान मंजन त नून लीग के फतेह हासिल थी है। राणा सनौला चयो त एन 120 जे चूंडन में इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सियासी पार्टी तौर मुतारिफ करायो, जकने को सुप्रीम कोर्ट के संदन आडो बिहारे चनिंदो त हु जवाब न नींदा। अब ये मेरा मुतालबा है, पिंडी के शैतान और सुप्रीम कोर्ट के नाम निहाद खुद साबता तर्जमान से और इमरान खान से और मकार मौलवी से कि अब ये बात कहो, पाकिस्तान के अवाम का आपसे तकाजा है ये बात कहो। हमने नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट को सियासी जमात, हमने अपने सामने सुप्रीम कोर्ट को खड़ा नहीं किया, तुमने खड़ा किया। उनजो तो शेख रशीद चे पियो त जजन के अरबे रुपए की आछ थी, उन जे गालन जो नोटिस छो न थो वरतो वने, खास पुछा कई वने हा त एड़ी आछ के कई। संदस चवणो त नून लीग के वोटरन के विरहण लाए जदीद तरीका आजमाया व्या, पर पोए भी समूरन रंडकुन बावजूद टर्न आउट 40% हो, जका नंढी चूंड में वडी शरह आहे। जकने 5 वगे पोलिंग जा दरवाजा बंद न कया वन हा त टर्न आउट 50% हो जया। कानून वाले वजीर राणा सनौला चयो त मरियम नवाज चूंड मुहिम दौरान हाकारी अंदाज में पंजे लीडर जो पैगाम अवाम ताई पहुंचायो ए तक जो अवाम मुतहरिक अंदाज में बाहर निकतो। जो मरियम नवाज ने जो है वो बहुत ही कुवत से और बड़े ही जो है वो मनज़म अंदाज से जो है उसने वो जो है वो चलाई, और आपने देखा होगा कि उसकी कैंपेन में कतई तौर पे बात होती रही है कि ये सरकारी वसायल, लेकिन कोई सरकारी वसायल जो है ना वो कोई दिखा नहीं सका। और उसने अपनी तकारीर में भी चैलेंज किया, उसने अपनी तकारीर के ज़रिए से बहुत ही मौसर अंदाज से पार्टी और पार्टी कायद के पैगाम को जो है वो लोगों तक पहुंचाया। एक सवाल के जवाब में संदस चवण हो तो जेआईटी में मौजूद टिन मानन जो कैड़ो कारनामो हो जो खेन सारायो वयो। वाजिद जा डीजी हज रही चुको आहे, उन इन शोबे में जेके कारनामा कया जेकरें उहे साम्हूं आंदा वञन त संदस किरदार जी खबर पइजी वेंदी। वाजिद ज़िया साहब जो है ये डीजी हज रहे हैं, वो 3-4 साल मैं अभी वहाँ से होके आया हूँ, वहाँ पे लोग बातें करते हैं जो ये गुल वहाँ पे खिला के आए, अगर उसकी ही इंक्वायरी कर ली जाए तो इस आदमी का किरदार जो है, इसका करेक्टर जो है वो सामने आ जाता है। उन चो तो इरफान मंगी जो किरदार मानन का पुछो वने, जने तो जेआईटी में मौजूद एक बे शख्स जा परवेज मुशरफ से लागापा कहीं खां लिकल ना है। वो मंगी साहब है जिसके मतलब कहते हैं कि उसने, उसका जो किरदार है वो आप लोगों से जो है वो पूछे। और एक और साहब है उनके जनरल मुशर्रफ से जो तल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं,